हरियाणा सरकार द्वारा फरवरी 2012 में प्राथमिक अध्यापकों के लिए आवेदन मांगे गए थे तथा अप्रैल 2018 को विभाग द्वारा चयनित प्राथमिक अध्यापकों के हस्ताक्षर व अंगूठे की जांच के लिए शिक्षा सदन पंचकुला में बुलाया गया था, लेकिन अब लगभग 15 महीने बाद भी चयनित अध्यापकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। नियुक्ति को लेकर चयनित अध्यापक कई बार शिक्षा सदन डायरेक्टर से मुलाकात कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक चयनित अध्यापकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। चयनित अध्यापकों ने आरोप लगाया कि उन्हें हर बार केवल आश्वासन दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से नियुक्ति के लिए दर दर भटकने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगने पर वह मानसिक व आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके चयनित अध्यापकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मामले में कार्रवाई करते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।